हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलोसफिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नाउ अलग अलग बेसिस अगर हम मान के चलें इंक्लूसिव एजुकेशन में जिसमें हिस्टोरिकल होते हैं फिलोसफिकल होते हैं सोशल होते हैं तो फिलोसफिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेसिकली कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कौन से वो बेस हैं जिसपे ये चीज़ें बनी हुई हैं जिसपे इंक्लूसिव एजुकेशन यू नो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो कर पा रहे हैं सो so, अब इसमें ये बेसिस जो हैं जिसमें फिलॉसफी एंड सोशल वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस बिलीफ की सारे इंडिविजुअल सेम है नो मैटर वॉट उनकी क्या एबिलिटीज़ है क्या बैकग्राउंड है तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे हमने फिलोसफिकल एंड सोशल बेसिस क्रिएट किया अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे डिफरेंट आंसर होगा बट मेन जो कोर पॉइंट्स हैं वो पाँच छः फिक्स रहते हैं एंड ऑब्वियसली हिस्टोरिकल के हिसाब से या बाकी एस्पेक्ट्स में वो चेंज होते रहते हैं सबसे पहले है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूसिव एजुकेशन एफ होल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बाय इंश्योरिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैव द राइट टू एन एजुकेशन ऑन एन इक्वल बेसिस विद देयर पीयर्स सबसे पहला तो जो बेस है मतलब अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा पहला की एलिमेंट कि इंक्लूसिव एजुकेशन इसी बेसिस पे इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर खड़ा हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं चाहे वो डिसेबिलिटी उन्हें कोई है चाहे उनकी कोई स्पेशल नीड है कुछ भी हो हर किसी को एजुकेशन का राइट right है जैसे उनके दोस्तों को है जिनको कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है और इंक्लूसिव एजुकेशन रिजेक्ट करता है मना करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज उस बच्चे की कोई प्रॉब्लम है कोई डिसेबिलिटी है जेंडर रेस या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कि वो किस घर घर से आता है किस परिवार से आता है सो so एजुकेशन में सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बोला गया है कि इक्वालिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट ऑब्वियसली इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ठीक है फिर सेकेंड पे आ जाते हैं ह्यूमन राइट इंक्लूसिव एजुकेशन इज ग्राउंडेड इन द रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ़ ह्यूमन राइट तो बेसिकली अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सोच के देखो तो ये बना ही किसके बेसिस पे है ह्यूमन राइट्स पे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं हमारे जो वो राइट्स जो हमें मिले हैं और हम मतलब हमारा हक है वो वो कोई हमसे ले नहीं सकता है सो so, अब आपके हर कंट्री के और पूरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो यही तो कहता है कि हम कुछ भी हो हमारी कोई भी परेशानी हो हम किस भी बैकग्राउंड से हो बट वी हैव सर्टेन राइट्स एंड वी हैव अ राइट टू एजुकेशन ये अलाइन करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ एंड सच एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दीज आर द नेम्स ऑफ द यू नो डिफरेंट डिफरेंट्स जो राइट राइट्स हैं एंड ये इंश्योर करता है कि फोकस करता है कि एजुकेशन सबके लिए है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको एजुकेशन मिलेगी ठीक है फिर आते हैं सोशल जस्टिस पे इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कोई भी इनिक्वालिटी है उसको एड्रेस करना ठीक है कोई भी इनक्विटी है कोई भी इनक्वालिटी उन्हें लग रही है उसको यू नो डिस्करेज करना एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करना कैसे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए यानी हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट की उसी के बेसिस पे हमने ये पूरा क्रिएट किया है ये चैलेंज करता है सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ये मना करता है आप नहीं कर सकते हो किसी को भी यू नो मार्जिनलाइज मतलब उसको अलग कर दिया कोने में कर दिया सेग्रीगेट अलग कर दिया बच्चों को किसी भी बेसिस पे किसी भी ग्रुप को चाहे आप सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे चाहे आप जेंडर के बेसिस पे कर रहे हो चाहे आप डिसेबिलिटी uh, के बेसिस पे कर रहे हो चाहे लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे करो दैट इज कम्पलीटली नॉट अलाउड एंड हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें सब इंक्लूसिव है डाइवर्स अलग अलग लर्निंग नीड अलग अलग यू नो नीड के बच्चे हैं एंड और आप सबके लिए रेडी हो आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना रहे हो जिसमें आप ये नहीं कह रहे हो कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो नहीं नहीं तुम्हें तो नहीं पढ़ा पाएंगे नो वी आर नॉट डूइंग दैट हेयर हम क्या कर रहे हैं हम सबके लिए रेडी हैं तो ये एक सोशल जस्टिस है तो जब आप सोशल एंड फिलोसफिकल बेसिस बोल रहे हो तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती जा रही हैं इंडिविजुअल यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन ना ये समझता है कि हर एक पर्सन की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं अपनी स्ट्रेंथ होती है और हर लर्नर एक दूसरे से अलग है ये एक्नॉलेज करता है कि जो लर्नर हैं उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उनकी डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं बैकग्राउंड्स होते हैं और एक ऐसा इन्वामेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि सपोर्ट करेगा इंडिविजुअल नीड को एंड फुल पार्टिसिपेशन एंड पोटेंशियल पे फोकस करेगा ठीक है सो इंक्लूसिव एजुकेशन रिकोगनाइज़ करता है कि कितना ज़रूरी है ये मतलब जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी है उन तो साथ के साथ हर एक लर्निंग स्टाइल की रिस्पेक्ट करेगा उसको एक्नॉलेज करता है एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करता है और साथ के साथ हम लोग एक इन्वामेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो सब तरह के लर्निंग स्टाइल को यू नो जैसे कहते हैं समझेगा पार्टिसिपेशन एंड कोलेब्रेशन इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फिसाइज़ द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलाब्रेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फैमिली एडुकेटर एंड द कम्युनिटी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एम्फिसाइज करता है फोकस करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन पे किसके एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बेसिकली कि जितने भी लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं चाहे वो पेरेंट्स हैं एडुकेटर्स हैं कोई यू नो जो भी स्कूल को संभाल रहे हैं वो लोग हो गए या जो कम्युनिटी है आसपास के लोग हैं हर किसी के कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ये प्रमोट करता है कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या होता है ना डिसीजन मेकिंग शेयर्ड होनी चाहिए और ऑब्वियसली जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो भी लोग हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड पार्टनरशिप विथ फैमिली एंड कम्युनिटी ताकि जो भी नीड्स uh, हैं किसी की भी वो पूरी हो सके वो मीट हो सके सो इट प्रमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस जिसमें आप डिसीजन मेकिंग साथ लेके चल रहे हो कोलैबोरेशन लेके चल रहे हो प्रोफेशनल्स के बीच में एंड आप पार्टनरशिप लेके चल रहे हो फैमिलीज एंड कम्युनिटी की ताकि आप एजुकेशनल नीड को समझो और यू you नो know, पूरा भी कर सको ठीक है ये एक छोटी सी चीज़ हो गई लेकिन यहाँ पे बात आप देखो वही फैक्टर्स आ रहे हैं कि बेसिस इस सब का सोशल और फिलोसफिकल है ठीक है सोशल इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि हम एक ऐसा इंक्लूसिव इन्वामेंट क्रिएट करें जहाँ पे हम कोई भी चीज़ कोई भी जिसे कहते हैं ना कि सोशल इंटीग्रेशन सब साथ में रहे रेस्पेक्ट के साथ रहे और एक्सेप्टेंस हो हर किसी के लिए ठीक है ये प्रमोट करता है कि यहाँ पर उन बच्चों को हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे जिनको कोई भी डिसबिलिटी है और जिनको रेगुलर क्लासरूम की यू नो स्पेशल नीड है या फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन को यू नो फॉस्टर करना चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि कोई भी नेगेटिव किसी पे भी कोई नेगेटिव असर पड़े वी वॉन्ट टू फॉस्टर अ पॉजिटिव इंटरेक्शन हेयर सो ये सब हमारा यहाँ पे ना गोल है ठीक है उसके बाद आते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एम्पावरमेंट पे यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन रिकोगनाइज दैट एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड दैट ऑल इंडिविजुअल हैव द राइट टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट ये कहता है कि एजुकेशन जो है ना वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहता है एंड ये एक ऐसी चीज है जो लर्निंग है एजुकेशन क्या है आप लर्न कर रहे हो तो हर एक पर्सन को राइट right होना चाहिए कंटिन्यूस लर्निंग का एंड पर्सनल डेवलपमेंट का जब कोई पर्सन एजुकेटेड होता है तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूसली लर्न करता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही कह रहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है एंड हर किसी को राइट right है कि उसकी कंटिन्यूअस लर्निंग हो पर्सनल डेवलपमेंट हो इट सीक्स टू एम्पावर लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी नॉलेज ये कोशिश करता है कि लर्नर को हम यू नो नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करें स्किल्स प्रोवाइड करें सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें अपने राइट्स को समझ सकें एंड एक्टिव सिटीजन बने ठीक है तो ये भी एक आपका सोशल बेसिस uh, हो गया देन इक्विटी एंड एक्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्राइव्स फॉर इक्विटी इन एजुकेशन बाई रिमूविंग बैरियर टू एक्सेस पार्टिसिपेशन इन लर्निंग यानी कि इक्विटी कैसी होगी देखो पहले तो एक बात समझा देती हूँ इक्वालिटी और इक्विटी अलग होती है देखो इक्वालिटी होती है आपने कोई भी एक चीज थी सब में बराबर बांट दी बट यहाँ पे तीन पर्सन है इनके पास सबसे कम रिसोर्सेज हैं और इनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं। तो अब आप तीनों में इक्वल ना बांट के जिनकी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो इट इज कॉल्ड इक्विटी तो इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी को सपोर्ट करता है एजुकेशन में कि हम कोई भी बैरियर है अगर किसी बच्चे को कहीं मतलब यू you नो know, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको कई प्रॉब्लम हो सकती है बैरियर मतलब जो उसको उस एक्सेस ना लेने दे वो एजुकेशन ना ले पाए हमें वो बैरियर्स रिमूव करने उसके लिए अगर हमें उस बच्चे के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ गया तो कोई बात नहीं बिकॉज वो इक्विटी ही शो करेगा ठीक है पार्टिसिपेशन हो एंड अगर लर्निंग में कहीं भी बैरियर है तो उसको रिमूव करना है कहीं भी कोई चीज़ रुक रही है तो उसको रिमूव करना है ये प्रमोट करता है प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन सपोर्ट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स कैन फुली पार्टिसिपेट एंड सक्सीड इन देयर एजुकेशनल जर्नी ये क्या प्रमोट करता है कि कितना जरूरी है कि जहां पर भी जरूरत है वहां पर सपोर्ट सर्विसेज मिलें जहां पे पॉसिबल हो सके हम एकमोडेशन करें हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे सबको एक तरफ से एक तरह से ट्रीट करेंगे नहीं सब इक्वल एंड यहाँ पे बात इक्विटी की हो रही है अगर एक पर्सन है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी दिस, है तो आप वहाँ पे इक्वली ट्रीट करके क्या करोगे वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ इक्विटी हो यानी उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको फायदा हो वरना तो केवल नाम का आपने एजुकेशन दे दिया उसको है ना तो जहाँ पे एकोमोडेशन हो सकता है वो प्रोवाइड करें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि ये इंश्योर हो सके कि लर्नर्स फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एं एंड अपनी एजुकेशनल जर्नी में दे आर सक्सीडिंग ठीक है इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ पैडोगॉजिकल अप्रोच बट अ ब्रॉडर सोशल एंड फिलोसफिकल कमिटमेंट टू प्रमोट इक्विटी डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस इन एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ना केवल एक पेडोलॉजिकल अप्रोच नहीं है इट्स जस्ट नॉट अ वे बट एक बहुत बड़ा यू you नो know, जिसे कहना चाहिए कि एक इट्स नॉट इट्स लाइक अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स चाहे सोशल हो गए चाहे हिस्टोरिकल हो गए चाहे फिलोसफिकल हो गए ये सब कमिटमेंट हैं जो कि कोशिश कर रही हैं इक्विटी डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस लाने की एंड जब हम इन प्रिंसिपल्स की रेस्पेक्ट करेंगे तो हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो कि वैल्यू करेगा रेस्पेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स के राइट्स को एंड कॉन्ट्रीब्यूशनस को ठीक है सो दैट वॉज द होल टॉपिक फिलोसफिकल एंड सोशल बेसिस आपको इसकी बहुत सारी और भी डिटेल मिल जाएंगी अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो यू कैन रीड मैनी अदर यू नो बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर हैं बट ओवरऑल हमें ये समझना है कि जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करो तो क्या उसका सोशल बेसिस है और फिलोसफिकल उसका क्या बेसिस है ठीक है तो उस सबको मिला के कुछ पाँच छः पॉइंट्स हमेशा कॉमन रहेंगे वो ये सब हैं ठीक है ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन को प्रेस कीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए प्ले जरूर चेक कीजिएगा दो प्ले लिस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग है और एक इंक्लूसिव एजुकेशन की कॉमन प्ले लिस्ट है ऑल दो तो मैंने एमएड की भी अलग बनाई हुई है सारी चीज़ें आपको प्ले सेक्शन में मिल जाएंगी एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाय मी अ बुक वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक बिकॉज उससे काफ़ी uh, लोगों ने अभी तक यू नो दे हैव डोनेटेड एंड प्रमोटेड लाइक पेड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई ट्राई कि मैं बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करती रहूँ बाकी कोई डाउट है कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आई ट्राई टू हेल्प यू आउट थैंक यू सो मच हैव एन आई स्टे एल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो